नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आपका स्वागत है। स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। वर्ष 1990-91 में वाणिज्य विधि एवं न्याय मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश सेवा की और बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1994 से 96 के दौरान विश्व व्यापार संगठन के श्रमिक मानकों के निर्धारण में उन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई। करीब 25 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो आज आपके सवालों की जवाब देंगे। आज का हमारा विषय है शाहीन बाग के नागरिकता कानून विरोध प्रदर्शन ने जिहाद की शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसा लगता है कि कश्मीर से हटाया गया अनुच्छेद 370 शाहीन बाग में लागू हो गया है। कुछ खास लोगों के अलावा वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? देश की राजधानी दिल्ली के एक हिस्से में एक कानून को लेकर इतनी नफरत क्यों है, जबकि सरकार ने संसद में भी कहा कि नागरिकता कानून से किसी नागरिक का अहित नहीं होगा? क्योंकि क्या कहता है इंडिया जनता के लिए जनता का शो है। इसलिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से सबसे पहले जनता के सवाल। आप एक एक कर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की तो कमी है, दैट्स वन पॉइंट। लेकिन लोगों को गलत चीज भी बताया जा रहा है। इनको किसी को कुछ पता नहीं है। जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी ये चीज नहीं पता कि ये हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों में जो भ्रम फैला है, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनमें जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो ये फैलाया जा रहा है कि आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। पहली बात तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो जो भारत से बाहर से आए हुए नागरिक है, जो वहाँ सताए हुए पाकिस्तान में है, ये उनको लिए हैं। भारत के मुसलमानों को इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनको कोई भी नागरिकता पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोग 60 दिन से ज्यादा वहाँ पर बैठे हुए हैं उस चीज के लिए जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया, तो उसके समानांतर हम कब जागेंगे? जब तक वो आग हमारे घर तक पहुंच के नहीं आएगी तब तक, या कब जागने का क्या समय होगा? कैसे इनको जगाया जाए? और ये देश का दुर्भाग्य रहेगा कि अगर फ्री के चक्कर में और ये स्किल्स को खत्म करके हमें सिर्फ एक आलसी बनाया जा रहा है, ये लोग कब जागेंगे, इसका क्या है? देखिए, इनको कब हम उठा के ले जाएं और किसी जगह में रख दें, ये ऐसी बातों का ऐसा नौबत तो आई नहीं। हम समझते हैं कि जनता इनकी प्रति विपरीत हो गई या नफरत करने लग गई, वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जनता को संदेश देने चाहते हैं तो जनता उनके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वो होगा। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में हम प्रदर्शन को, वो प्रदर्शन ना भी हो परंतु प्रदर्शन के नाम पर हो, तो उस पर सरकार दमन से या कोई शक्ति से निपटने के लिए कोशिश करेगी तो इससे उल्टा जाएगा सरकार के विरुद्ध में। इसीलिए हमने छूट दे दिया है इनको, और हम लोग कुछ नहीं करना है, ये थक जाएंगे। इनमें से जो वास्तव में जिनका और कोई काम है या कुछ पढ़ने का काम है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। हमने देखा कई जगहों में ऐसे प्रदर्शन अपने आप फिजल हो जाती है या टेंटेफिस हो जाती है। जो एक छोटा बच्चा वहां पर इस प्रदर्शन के दौरान उसने अपनी जीवन उसकी खत्म हो गई, लेकिन उसको वो माँ शहीद का नाम दे रही है और सिर्फ एक ऑटो रिक्शा चलाकर और इतने बच्चे पैदा करके और आप एक छोटे से बच्चे को शहीद का नाम दे रहे हैं, तो ये अमानवीय है और मानव धर्म के खिलाफ है। तो आप किस बेसिस पर ये सारा जिहाद भी अगर बोल रहे हो, किस बेसिस पर कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें कितने लोग इस ऐसी बातों को सुनकर प्रभावित होते हैं, मुझे नहीं लगता है। हम चुनाव हारे जीते वो तो मुद्दे पर हारे जीतते हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों से मैं समझता हूँ हमारे देश में, जहाँ जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन थी वो मूलभूत अधिकार का सवाल था, वो भ्रष्टाचार का इश्यू था। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आती किस बात पर वो लड़ रहे हैं, क्योंकि कई
कई ऐसे लोग बोलते हैं वहाँ जो इससे लगता है कि वो भारत की यानी विभाजन चाहते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे आंदोलन बहुत दिन नहीं चलेगी और हमें थोड़ा संयम होना चाहिए इसमें। एक सरहद पे जो माँ अपने बच्चे को भेजती है हमारे देश की रक्षा के लिए, एक पत्नी अपने पति को कुर्बान कर देती है, हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, और हमारे देश में रहते हुए ही हमारे देश के लोग हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की जो प्रथा शुरू कर रहे हैं, जिसमें चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे JNU हो, चाहे कोई और भी हो, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कोई व्यक्ति बड़ा होता है ना कोई व्यक्तित्व बड़ा होता है, क्योंकि देश बड़ा होता है। तो देश के लिए क्यों नहीं कुछ कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, और ऐसे देशद्रोहियों के लिए कोई कड़े कानून बनाकर उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही है? आपकी बात, आपकी भावना तो मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी इतिहास भी आप समझ लीजिए। हमारी देश की विभाजन हम लोगों ने नहीं की, अंग्रेजों ने उसकी साजिश रचाई थी। उसके बाद दुनिया भर में भविष्यवाणी होती थी कि देश, भारत देश एक देश नहीं है, टुकड़ा हो जाएगा, 20 टुकड़े में बट जाएगा। ये प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था, अमेरिका का चर्चिल ने कहा कि 3 महीने में सब लोग आकर हाथ जोड़ कर कहेंगे अंग्रेज आप वापिस आ जाओ। लेकिन हमारी देश बिल्कुल नहीं टुकड़ा हुई। सोवियत यूनियन जैसे इतनी शक्तिशाली कम्युनिस्ट देश थी, वो 16 टुकड़ा हो गया है। आज सोवियत यूनियन है ही नहीं, कोई उज्बेकिस्तान है, कोई कर्जकिस्तान है, कोई यूक्रेन है, और यूगोस्लाविया 4 टुकड़ा में हो गई, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गई, और बाकी रह गया 4 टुकड़ा होने में उसकी, और इंडोनेशिया का 2 टुकड़ा हुआ है। तो हमारे देश की अखंडता जो हमने, जो हमारे हाथ में आई थी 15 अगस्त 1947 में, उसका कोई टुकड़ा नहीं कर सका। तो इसीलिए हम कोई चिंतित नहीं है कोई टुकड़ा की भाषा देते हैं, हम सिर्फ उनकी भाषा का पब्लिसिटी देते हैं कि ऐसे लोग हैं। हम कड़ी निंदा, कड़ी यानी विधि या कानून की बात करते हैं तो वो पर्याप्त है हमारे पास। 124 है IPC में, कई चीज़ें धाराएं हैं जिसके अंदर हम किसी भी समय इनको अंदर कर सकते हैं। सर, लेकिन हम तब कर सकते हैं जब समाज भी तैयार है। परंतु तो मैंने देखा है कि जैसे आप पकड़ते हो लोग, एक बड़ी हिस्सा खड़ी हो जाती है जो मीडिया में बड़ी हावी होती है, जो क्योंकि 70 साल में बड़ी बड़ी जगहों में बिठाए गए हैं, वो बदनाम करने की शुरुआत कर देते हैं। चाइना में क्या होता है उसके बारे ये सारे वामपंथी कुछ भी नहीं बोलते। चाइना में उन्होंने मुसलमानों को यूक्रेन में, शिनजियांग में उन्होंने एक जगह में रखकर उनके बच्चों को लेकर बीजिंग में लेकर जाकर वहाँ के हॉस्टल में रख दिया, और उनको इस्लाम पढ़ाते भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग लोकतंत्र हैं, यहाँ लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, तो इसमें बदनामी बहुत होती है, परंतु इससे हम निराश नहीं होते। हम समझते हैं कि जब लगता है कि समय आ गया कि इन सबको कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। शाहीन बाग में कुछ खास डिजाइनर पत्रकारों को जाने की इजाज़त है। जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को शाहीन बाग में नहीं जाने दिया गया। कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें, और साथ में मैं चाहूंगी कि आप सर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में भी जरूर प्रकाश डालिए, जिससे कि हम एक समाज को दिशा और दशा दे सके। देखिए, ये भी मैं समझता हूँ कहने से सिर्फ चोट आएगी कि अच्छे लोगों का भी। हमारे देश में IB में, RAW में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुसलमान बहुत हैं, और हम भले कहें कि सब मुसलमान नहीं होते, परंतु हमारे देश हिंदू आतंकवादी तो श्रीलंका में हुई थी, वो तमिल लोग। तो इस आतंकवादियों को वो जरूर धर्म के को आह्वान करके धर्म के आधार पर वो करते हैं सब, लेकिन हम उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं। परंतु इस तरीके से कहेंगे तो
मुसलमानों में भी एक फीलिंग आएगी कि हम हमारे पर संदेह है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आम मुसलमानों में ये जरूर फीलिंग है कि जहाँ निधि के अनुसार, विधि के अनुसार, कोर्ट के अनुसार कुछ होती है उसको हमें मान लेना चाहिए, इसको हमें सराहना करनी चाहिए। हाय सर, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, सर जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और सर मैं ये पूछना आपसे जानना चाहता हूँ कि सर विपक्ष है और जो भी प्रदर्शनकारी हैं ये कहते हैं कि जो सरकार सत्ता में है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चोट कर रही है। बार बार वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा इन लोगों से, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मुझे बता दें किसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर हत्या हो रही है, किस धारा पर या किस पॉइंट पर, कौन सी ऐसी दस्तावेज हम लाए हैं या संविधान का संशोधन करने के लिए लाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अन्याय करती है। सर और सर ये राजीव गांधी के वक्त ही एनआरसी की बात हो चुकी थी, हाँ, और फिर भी ये आप लोगों पर क्यों चोट कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब राजीव गांधी असम के लोगों के साथ समझौता की तब उन्होंने ये अग्रीमेंट में मान लिया कि हम ऐसा एक कानून बनाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बनाओ और कहते रहे। हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने कहा कि अब नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस डाल देंगे, तो हमने वहां से शुरू किया है। उसमें आश्चर्य होगा ज्यादा हिंदुओं को बाहर निकालने की बात है, बंगाली हैं परंतु ज्यादा हिंदुओं के बाहर निकाल, तो फिर बड़ी हल्ला हुई कि भाई ये लोग तो बांग्लादेश से वो आए हैं जो वहां उनकी नरसिंहार हुई थी या उनकी शोषण हुई, तो उसके लिए तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके एक आप प्रपोजल दीजिए, तो वो प्रपोजल चल रही है, उसको देश भर में क्यों आसाम में ही, सारा देश में होना चाहिए एक मांग उठी, परंतु अभी तक तो कुछ आया नहीं, जब तक आएगा नहीं हम उस पर बहस कैसे कर सकते हैं। नागरिकता कानून का विरोध करते करते लोग हिंसक हो चुके हैं। दिल्ली के सुखदेव विहार में रिपोर्टिंग करते हुए जी न्यूज के पत्रकारों के साथ भीड़ ने हिंसा की, ऐसे विरोध पर क्या कहती है देश की जनता? जैसा कि हम जानते हैं कि 60-70 दिनों से हमारा पूरा देश इसी चीजों में लगा हुआ है, एनआरसी और कैब, एनआरसी इसी चीज में देश नहीं लगा हुआ है, देश नहीं लगा हुआ है, लेकिन पूरी जनता में जो एक विशेष धर्म है चर्चा का विषय, लगातार प्रदर्शन किए जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं, मैं समर्थन करता हूँ इस जो बिल अभी पारित होने वाला है या फिर जिस पर अभी सोचा जा रहा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को इतना ज्यादा छूट दे देना कि आप जो शासन में है व्यक्ति उसको आप कुछ भी कह देते हो, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, किसी आप इंस्टीट्यूट में खड़े होके इतना आगे बढ़ बढ़ के बोलते हो और फिर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, सुपरस्टार बनाया जाता है, पब्लिसिटी दी जाती है और लगातार समर्थन मिलता जाता है, तो ये कब तक चलता रहेगा सर? इसे सरकार को इन लोगों के विरोध में कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, तो हमारे देश की शासन को क्या करना चाहिए? संविधान में भी मूलभूत अधिकार, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार आर्टिकल 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन 19 ब्रैकेट 2 में क्या लिखा है और ये कौन संशोधन में लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? 1951 में। क्यों लाए थे? क्योंकि एक लेखक था, उसका नाम था थापर, रमेश थापर, उसने लेख लिखा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, तो संविधान के अनुसार कोई रास्ता नहीं था उनको इनको गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने संशोधन लाकर 19 ब्रैकेट 2 में लिखा है कि हर मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है, परंतु वो अंकुश न्यायपूर्ण होनी चाहिए, जिसे अंग्रेजी में रीजनेबल कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। धर्म पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, यानी आप कहोगे काली माँ के लिए मेरे बच्चों के, मैं मेरे बेटा का सर काट के त्याग कर दूं तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, सॉरी ये हम अलाउ नहीं कर सकते, या ट्रिपल तलाक हम नहीं अलाउ कर सकते, इसमें कोई
धर्म का कोई इतना स्वाधीन नहीं है धर्म हमारे देश में कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माने जो एक पर्याप्त या एक न्यायपूर्ण अंकुश नहीं लग सकती है। अब आप कहते हैं वो उससे बाहर चले गई है, तो आपकी राय ये है, पर सारा दुनिया कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फरूख अब्दुल्ला को क्यों बंद रखा है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमारी जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, उसमें थोड़ा सहन कर लो, ये जो चाह रहे हो वही होने वाला है, परंतु अभी नहीं। मुझे ये पूछना है कि ये सभी को पता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और झूठ के पाँव नहीं होते, और अभी अभी दो दिन पहले ये न्यूज आई है कि ईडी ने लिंक फाइंड आउट किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स में, और उनका लिंक आपसे भी है, और जो गोली चलाई गई थी उस दिन वो भी आपके किसी मेंबर था जो कि कनेक्शन था, तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो खुल गया। अब आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, कार्रवाई देखे, हमारी हम सोनिया गांधी को भी जेल लगाने भेजने में लगे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड में, अब बेल में आ गई, थोड़े दिन में जेल में जाएगी, परंतु तो लोग कहते हैं क्यों अभी भी घूम रही है। हाँ, चिदम्बरम को अंदर भेज दिया, मेरे केस से ही अंदर गया वो भी, उसमें भी, और वो बाहर आ गया। अब हमारी विधि में ये है कि पूरी पूछताछ होने के बाद बेल में छूटा जा सकता है, तो उसको छोड़ दिया है। अब नया केस एक नया लगा रहा हूँ, उसमें जाएगा दोबारा। तो ये इसमें प्रक्रिया का सवाल है, PFI की पूरा हमारे नज़र में है, उनका कोई भी वो कदम, बाथरूम जाने का कदम भी नहीं उठा सकते हमें पता बिना। तो और थोड़ा जो जाल है उनकी, जो कड़ियां हैं उनको ढूंढने के लिए उनको छोड़कर रखा है, बट निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ PFI इस, आज मैं बोल रहा हूँ, आज से एक साल के बाद ये दोबारा ऐसी हुई गई तो आप ही खुद कहेंगे कि PFI को आपने ध्वस्त कर दिया, इसको बधाई। शुरुआत में आपने कहा कि प्रदर्शन का हक हमें संविधान से मिलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के राइट्स को ना छीने। सो जामिया में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे थे, पर उनके साथ जो हुआ वो सबको दिखा, जिस तरीके से उनके ऊपर हुआ। तो अब जाकर उनका लाइब्रेरी देखिए क्या हुआ। सर, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर उन्हें मारा गया। वो मारे गए बगैर, पहले क्या हुआ, लाइब्रेरी को पूरा तोड़ दिया था इन लोगों ने। अब JNU में जो कंप्यूटर सेंटर था जहाँ एडमिशंस के लिए भर्ती हो रही थी, उसको पूरा तोड़ दिया। पर उससे सरकार और उनमें कोई वो नहीं रह गया फर्क, अगर आपका कहना ये है। नहीं नहीं, हम तो हमारी सरकार, पुलिस तब आती है जब प्रिंसिपल या वाइस चांसलर आमंत्रित करते हैं। सबूत तो सर सामने आया ही था। हाँ, टेलीविजन कैमरा से सर, तो वो भी इन्फॉर्मेशन, वो सर, भी इन्फॉर्मेशन, वो भी इन्फॉर्मेशन हो गई ना। आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप निष्कर्ष पहुंच रहे हैं, मैं देखने चाहूंगा कि एविडेंस क्या है। तो सर फिर ये बात भी तो झूठ हो सकती कि वहां पर सरकार विरोधी और देश तोड़ने के नारे लगाए जा रहे थे। वो बिल्कुल, इसीलिए वकील होते हैं, इसीलिए तो वकील होते हैं, वो उनके तरफ से आकर के बहस में कहते हैं ये सब झूठ है, हम सिद्ध कर देंगे। प्रोसिक्यूशन होती है पहले, उसके बाद उसकी होती है, परंतु अधिकार है पुलिस को अपने जानकारी और जांच के अनुसार किसी को गिरफ्तार करने के लिए, परंतु उसको छोड़ने के बाद कोर्ट के सामने ही हो सकती है। सर, आजकल न्यूज बन रही हुई है, सिटी ऑफ द न्यूज इज शाहीन बाग, तो शाहीन बाग क्यों? मुझे आज तक नहीं पता था शाहीन बाग दिल्ली में ही है, लेकिन जब ये हुआ तो मुझे पता चला कि शाहीन बाग दिल्ली में ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से जब सरकार 370 लेकर आई बिल, 35A लेकर आई, तब कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक पास हुआ तो कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जब CAA के पास मतलब कर दिया सरकार ने, उसके बाद इतना हंगामा, इतना दंगा, क्यों?
अब आप सवाल यही पूछ रहे हो कि अभी तक क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? नहीं, ये क्या उनका वो है कि उनकी देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं और एक गलती चाइना ने एक बार की थी टियानमेन स्क्वायर में, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी इकट्ठे हुए। अब चाइना तो कम्युनिस्ट देश है, उसको ये सब समझ में नहीं आती, तो उन्होंने ऐसा कार्रवाई की जिससे वो सारा सदा के लिए वो डेमोक्रेसी मूवमेंट ख़त्म हो गई। लेकिन जो उसकी इंटरनेशनल पब्लिसिटी हुई उससे आप लोग यहाँ ऐसे कार्रवाई मांगते हैं, मुझे तो पता है कितने लोग विदेशों में हैं वो कहते हैं गायको आप ऐसा करते हो तो डेमोन्स्ट्रेशन करने दो, करने दो, यहाँ हमारी नाम बहुत ख़राब हो गई। इस प्रकार से दबाव दूर अनेक प्रकार की दृष्टिकोण होने के कारण हम उत्तम और उचित समय की खोज में हैं। लेकिन कार्रवाई मैंने जैसे उनको कहा वही होगा जो आप चाहते हैं और शीघ्र ही होगा। सर मेरा नाम दीपक राज, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। सबके दिमाग में है ये सवाल कि ये जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है शाहीनबाग में, ये वो बात तो उनका अलग है लेकिन वो उनको जहाँ रहते हैं दिन भर उनके पास खाने के पानी पीने के लिए पानी और दिन भर का जितना कार्य है इनको सब कुछ, इनको कौन शरण दे रहा है या उनको कौन फंडिंग कर रहा है, आपको कुछ आइडिया बता सकते हैं? वो सही बात है, उसके बारे पूरा जानकारी है, परंतु हम पानी खाना और भी थोड़ा गर्म चीज़ पीने के लिए वो हम अभी रोक नहीं सकते। ये सारी चीज़ों में एक आधार बनेगी भविष्य के लिए और अब चुनाव भी ख़त्म हो गया है तो अब हमें थोड़ा फुर्सत मिलेगी इसको निपटने के लिए। तो अभी तक नहीं हुआ इसके अर्थ नहीं है कि आगे नहीं होने वाला। नमस्कार सर, मेरा नाम वंदना श्रीधर है। सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, ये पीएफआई का जो इतना फंड पकड़ा गया है, हाँ, जो इन्होंने ये बोला कि 15 मिनट के अंदर 112 करोड़ शायद इकट्ठे हुए, कितना कैश आया होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। क्या वहां पर छापे मार के या वो चीज होके उस पैसे को वो नहीं किया, क्योंकि वो सारा हिंदुस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होना है। नहीं, तो छापे तो बहुत हो रहे हैं, केरल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, सब जगह में हो रहा है। उसकी पब्लिसिटी वो नहीं हो रही होगी मैं नहीं जानता, परंतु मुझे पर्सनल जानकारी है जी। एक सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य होने के नाते कि छापे तो पूरी लग रहे हैं। ये पीएफआई जो है बहुत पहले छोटा संगठन था, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, केरल में था और वहाँ कम्युनिस्ट सरकार ने इनको और कांग्रेस की सरकार जो बारी बारी आते थे वो उनकी रक्षा करते थे। तो अब वो बड़ा कैसा हो गया कि पाकिस्तान ने सोचा कि यही है जो बाकी जो छोटे छोटे संगठन हैं उसका विलय करके बड़ा हो सकता है। आज पीएफआई ऑल इंडिया हो गया है जी। अपने बलबूते पर नहीं परंतु इतने संगठन को हजम करके वो बन गए हैं। तो यहाँ की जो उनकी गतिविधियाँ उनके हमारे पास कम जानकारी थी। हम कोर्ट में जल्दी चाहेंगे तो वो डिसमिस हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि कोई प्रूफ ही नहीं है जी। कोर्ट यही पहले यही देखेगी आप पेश कर रहे हैं उसमें प्रूफ है, आधार है नहीं। अब निर्भया के लिए क्या क्या हटकंडे वो अपना कर करिए उसकी लंबा खींचते जा रहे हैं, सबको पता है कि इन्होंने किया और दंडित भी हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये रिलीफ वो रिलीफ, अब प्रेसिडेंट से पूछेंगे। राजीव गांधी की हत्या जो की जी, उसका अभी बहस चल रही है कि इनको 24 साल जेल में रह गए, अब इनको छोड़ दो। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। तो ये सब चीज को निपटने के लिए एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं सोफिस्टिकेशन चाहिए, नहीं तो उल्टा हमारे ऊपर ही आएगी। और वहाँ दुकानें खुल गई, ऑफिस चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, सिर्फ हम लोग इनको जेल में रखा है क्योंकि ये आज तक हमें वचन नहीं दे रहे हैं कि बाहर आकर आप 370 के खिलाफ पक्ष में नहीं बोलेंगे। वो उल्टा भड़कने वाली भाषण, क्योंकि वो भी टेररिस्ट से कई लोग हैं जैसे महबूबा, उन्होंने पैसा लिया, हमने भी गलती की उसके साथ सरकार बना दी। अब ये लोग कह दें, कल लिख कर दे दें कि हम संविधान के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, हम छोड़ देंगे,
और वो देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बाहर आकर ऐसा लिख कर देंगे तो बाहर आकर टेररिस्ट का यूं छिपा हुआ उसको मार देंगे, पहले इनको मारेंगे। नागरिकता कानून देश के मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, फिर विरोध का क्या मकसद है? नागरिकता कानून के विरोध को देश के कुछ मुसलमान नेताओं ने बना दिया, जिहाद का नाम दे दिया, ऐसा क्यों हुआ? वो तो एक वचन है जो हमारे हमसे पहले आए जो सत्ता में थे, महात्मा गांधी का भी था, बहुत लोगों के था, और ये एक अधूरा काम रह गया था, उसको हमने पूरा किया है। उसमें महात्मा गांधी ने सिर्फ सिख और मुस्लिम हिंदू की बात की, किसी और की बात नहीं की। मनमोहन सिंह ने भी सिख और मुस्लिम हिंदू की बात की, कोई मुस्लिम की बात ही नहीं की इस 70 साल में, और हो भी नहीं सकता, मुसलमान लिस्ट में भी कोई नहीं है। हमारी लिस्ट थी 31,313 लोगों की, उसमें 25,000 हिंदू, 5,000 सिख, 1,000 क्रिश्चियन, 2 बुद्धिस्ट और 2 पारसी, यानी जो ज़ोरोएस्ट्रियन जिसको कहते हैं, ये थे, एक भी मुसलमान नहीं था। अच्छा, अन्य कारण से मुसलमान आए इस देश में रहने के लिए, पर बाद में वो मन बदल के और कहीं चले गए। तारिक फतेह हैं, उसका नाम सुना होगा, वो आए थे, हमने कहा तुम रह सकते हो, उसने क्या कहा, नहीं पाकिस्तान बहुत पास है, यहाँ कभी भी वहाँ के लोग आकर मुझे मार सकते हैं, तो मैं कनाडा का सिटीजनशिप लूँगा, तो कनाडा चले गए। तस्लीमा आई थी, उसको भी कहा तुम रह सकते हो, उसने कहा नहीं मैं स्वीडन का पासपोर्ट सिटीजनशिप मुझे मिल रही है, वहाँ जाऊँगी, इंडिया आते रहूँगी परंतु स्वीडिश पासपोर्ट में आऊँगी। अदनान स्वामी ने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अब हल्ला करते हैं लोग, उसका बाप पाकिस्तानी है, तुमने उसको क्यों दिया, वो हिंदुस्तान में रहने चाहता है, और हम जब करते हैं तो भी गलत है, जब ना करते हैं तब भी गलत है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि गहराई में जाने से आप देखेंगे कि हमने बड़े आस्ते से काम किया, परंतु कोई ऐसा गलती होने नहीं दिया जो एक कलंक बन जाए हमारे समाज में। क्यों जेएनयू, जामिया और एमयू सरकार विरोधी और देश विरोधी मुहिम के अड्डे बन चुके हैं? अड्डे हैं परंतु 100% नहीं है, उसमें आज भी बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, और धीरे धीरे पिछले 5 साल में कई जेएनयू में तो अब विद्यार्थी परिषद जो है उसको काफी वोट मिलती है, कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो इसको उस समय एडमिशन मिलने के लिए ये जरूर देखते थे, क्यों मैं प्रोफेसर था आईआईटी में जो बगल में थी, और मैं कम्युनिज्म के खिलाफ बोलता था, सोशलिज्म के खिलाफ बोलता था, आई मीन क्लास में नहीं, क्लास में तो मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, उसमें कोई ऐसे सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे डाइनिंग हॉल में बुलाते थे हॉस्टल में, तो वहाँ मैं बताता था कि रशिया में ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है। तो उसकी चिड़ में मैं फुल प्रोफेसर, हार्वर्ड में प्रोफेसर रहकर इन्होंने बुलाया मुझे, यहाँ मैं प्रोफेसर बनने के बाद इंदिरा गांधी ने एक दिन पार्लियामेंट में बोला कि ये एक सुब्रमण्यम स्वामी आए हैं और वो आरएसएस के लगते हैं, मैं तो आरएसएस में कभी था ही नहीं, परंतु आरएसएस से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन मेंबर थे नहीं था मैं, उनका कोई प्रचार को अच्छा नहीं बना, परंतु इंदिरा गांधी ने मोहर लगा दी मेरे ऊपर, मैं आरएसएस का हूँ, और कहा कि ये सरकारी खर्चे में प्रोफेसर रहते हुए देश का विरोध कर रहे हैं, और ये ऐसा कैसा प्रोफेसर हो सकता है। तो दूसरा दिन मुझे 5:15 बजे चिट्ठी मिली, यू आर नो मोर प्रोफेसर फ्रॉम 5 o'clock। अब ऐसा कभी किसी देश में, हम दुकान में सुना है, दुकान में कभी कभी होता है, परंतु आईआईटी में जहां फुल प्रोफेसर परमानेंट। फिर मैं डायरेक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर आया कोर्ट में जाइए, कोर्ट में गया, मुझे 22 साल लगी, परंतु जीता आखिर में, और कहा कि ये जो ऑर्डर है नल एंड वॉइड है। सो मैं वापस गया, एक दिन का प्रोफेसर रहा, फिर मैंने कहा, उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गया था, तो मैंने रिजाइन किया। फिर
मैंने कहा मेरा पुराना तनख्वाह दो, उसने भी झंझट उसमें भी कोर्ट केस लड़ा। 22 साल के बाद पूरा मेरा तनख्वाह, 22 साल का तनख्वाह मिला 8% इंटरेस्ट में। तो जो जो दो मेरे साथ थे प्रोफेसर जो अब रिटायर हो गए, वो कहते थे हम भी ऐसे ही डिसमिस हो जाए तो अच्छा होता है, ज़्यादा पैसा मिलती है हमें। तो ये सब होता था परंतु इसको प्रचार में आता नहीं था, प्रेस में भी नहीं देते थे। आज वो सारे प्रेस में जो उनकी कंट्रोल है उसके चल रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है, परंतु उसके कारण ये हवा बन गई है। और ये जो स्कूल्स हैं JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ये सारे इतने चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे जैसे नदी पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, वैसे हम भी इनके इनका टुकड़ा टुकड़ा करने के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये विरोध होती है। परंतु वहाँ मैं कहूँगा आज भी 25% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो देशद्रोही नारा लगाते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में। चिन्ना तस्वीर है तो किसने डाला? जवाहरलाल नेहरू ने रखवाया, तो हटा देंगे। वो प्रेरणा स्रोत नहीं है, वो है, मैं जानता हूँ। कब हटाना चाहिए? जब सारा देश जानेगा वहाँ जिन्ना का है। कल हटाएंगे तो कहेंगे और ये बड़ी छोटे मन के लोग हैं, जिन्ना तो पहले कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, बाद में छोड़ कर गया। हाँ, गांधी और जवाहरलाल नेहरू और कई लोग कहते हैं कि जिन्ना और नेहरू का पारिवारिक रिश्ता है, ऐसे भी लोग कहते हैं। और कांग्रेस से कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्यों? उनके लिए जिन्ना कोई क्या प्रेरणा के स्रोत हैं क्या? हाँ, तो है। इस ऐसी बातों में हम चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट जाकर उतार दे। ये सरकार क्यों करना चाहिए इसको? डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल जी। नागरिकता कानून के विरोध को देश के कुछ मुसलमान नेताओं ने ड्रामा बना दिया है, जिहाद का नाम दे दिया है। तो क्या देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और कौन भड़का रहा है? बस भड़काने तो प्रयास है, परंतु भड़का नहीं सकते। और कई हैं जो अपने नेतृत्व बनाने में लगे हुए हैं। ओवैसी के बारे में बता देता हूँ, मैं उसको देशद्रोही नहीं मानता हूँ, परंतु मैं राष्ट्रवादी भी नहीं मानता हूँ उनको। क्यों? राष्ट्रवादी वो होता है मुसलमान जो कहेगा मेरा पूर्वज हिंदू है, और उसका मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या है? DNA, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स, हिंदुस्तान के सब मुसलमानों का DNA हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट, वही DNA है। तो ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है, आए होंगे चंद लोग, परंतु तो अधिकांश जो DNA जिससे बनती है वो परंपरा अनुसार और सदियों से वो DNA जमा हुआ है। तो मैं ओवैसी को कहता हूँ आप देश के लिए खड़ा होकर बोलेंगे, मैं जानता हूँ बाहर जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन तुम राष्ट्रवादी तब बनोगे जब कहोगे कि मेरा DNA और तुम्हारा DNA एक ही है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसा पता है दोनों का एक है? मैंने कहा हैदराबाद में सबसे मशहूर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है जो आपका घर है, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों का टेस्ट करके मैं सामने सिद्ध कर दूंगा। तो जिस दिन अब इंडोनेशिया में उनकी करेंसी में गणेश का चित्र है, उनका एयरलाइन का नाम क्या है? इंडोनेशियन एयरलाइन नहीं है, गरुड़ा एयरलाइन। उनके नाम सब संस्कृति नाम है। सो उनसे जब पूछा, और जो उनका जो कैपिटल है जकार्ता, वहां मेन रोड में रथ है एक बड़ा सा, कृष्ण भगवान प्रवचन कर रहे हैं अर्जुना को भागवत गीता के सुना रहे हैं। तो ये रखें, तो जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म तो बदल गई या मजहब बदल गई, परंतु हमारी संस्कृति नहीं बदली। तो ऐसे ही होना चाहिए हमारे देश में। आप किसी भी धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो मानते ही हैं कि सर्वधर्म समभाव।
नागरिकता कानून पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन जिहाद में तब्दील हुआ। इस मुद्दे पर आपने इंडिया और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की राय सुनी। भारत के लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना जी न्यूज का दायित्व है।